नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी चिकन और उसमें अपना सारा देसी ही सामान डालेंगे और आपको दिखाएंगे। जी, हम अपने गार्डन से प्याज ले रहे हैं, वही हम अपने चिकन में डालेंगे। प्याज हमने उखाड़ लिए हैं हरे वाले। हाँ जी, ये है तेज पत्ता, हम अपने गार्डन से ही तेज पत्ता ले रहे हैं, वही हम अपने चिकन में डालेंगे। और ये लहसुन है, हम अपने गार्डन से ही लहसुन ले रहे हैं, वो भी इसमें डालेंगे चिकन में। ये हम हरा धनिया ले रहे हैं अपने गार्डन से, देसी चिकन में अपना डाल लेंगे। हरा धनिया हमने काट लिया है। हम अपने अंगीठी पर चूल्हे पर अपना चिकन बना रहे हैं देसी स्टाइल में, जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा लक्कड़ के ऊपर। और ये हमारी पतीली है पित्तल की, हम पतीली में ही अपना चिकन बनाएंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो इसमें ही बनाते थे और हम भी इसी में बनाने जा रहे हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया बन जाएगा। ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो हमारी गार्डन की, जो मसाले हैं वो अपने ही देसी मसाले लेंगे, बाहर से कोई मसाला नहीं लेंगे, ऑर्गेनिक बनाएंगे इसको चिकन को। हाँ जी, हम अपना चिकन वॉश कर रहे हैं, चिकन को अच्छी तरह वॉश करें 2-3 पानी में। और हम ये अपना पित्तल की बाल्टी में ही इसको वॉश कर रहे हैं। ये 2.5 किलो हमने चिकन लिया है, इसको बहुत ही अच्छे से साफ करें, देखें सारा अच्छे से साफ करेंगे। घी डालने जा रहे हैं, गाय का घी हमने लिया है, ये देखें छत पर रखेगा। घी हमने 2 चम्मच ले लिया है, आधा चम्मच और डाल देंगे। और उसके बाद हम अपना डालेंगे मसाले, तेज पत्ता है, बड़ी इलायची है, लौंग है और अपना काली मिर्च। अब लगभग 1 किलो हम प्याज डालेंगे, मसाले हमारे अंदर पक चुके हैं। और ये अपना गार्डन का प्याज हरा लगभग 1 किलो, बहुत ही देसी तरीके में बना रहे हैं इसको, 5-स्टार होटल जैसा हमारा ये चिकन बनेगा। प्याज हमने डाल दिया है, हम अपना मसाला तैयार करेंगे। हम अपनी अंगीठी में चूल्हे में लकड़ भी डालते रहेंगे, जिससे हमारी आग जलती रहे। और इसको धीमी आंच में पकाएंगे, जिससे कि बहुत बढ़िया हमारा चिकन बने। और लगभग 4-5 हमने टमाटर लिए हैं, और ये हमारा है लहसुन, लहसुन भी हम साथ के साथ डाल रहे हैं, 2 पोटली है ये।
और साथ में ये हरी मिर्च है हमारी, हरी मिर्च भी हम डाल देंगे इसके अंदर, टमाटर थोड़ा बाद में डाल देंगे और इसको साथ के साथ चलाते रहेंगे। चिकन में जितनी भी कड़छी घुमाएंगे मसाले में, मसाला उतना ही टेस्टी बनेगा। चिकन का सारा ही टेस्ट मसाले के ऊपर है, जितना मसाला हमारा बढ़िया से तैयार होगा उतना ही हमारा चिकन बहुत टेस्टी बनेगा। आग हमारी तेज हो चुकी है, और अदरक हम इस अदरक बाद में डालेंगे लास्ट में, लंबे थोड़े टुकड़े करके, जिससे अदरक का टेस्ट बढ़िया से आए। थोड़ी थोड़ी देर में मसाले को चलाते रहें, और ये देसी स्टाइल से आराम से पित्तल की पतीली में अपने चिकन को बना रहे हैं। होटल जैसा स्वाद, रेस्टोरेंट जैसा स्वाद आएगा बिल्कुल, और आपको दिखा भी रहे हैं। देखिए हमारा मसाला बनना तैयार हो चुका है, थोड़ा भूरे रंग का होने लगा है। दूध गाय के घी में इसको बना रहे हैं। मसाला हमारा देखे तैयार होने लग चुका है। चूल्हे में बनाने पर लकड़ के बहुत ही अलग टेस्ट आएगा इसका। चूल्हे का चिकन तो चूल्हे का ही होता है, गैस में इतना बढ़िया बनता नहीं। पतीले में इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाएंगे। प्याज हमारे भून चुके हैं और हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं, 5-6 टमाटर लिए हैं हमने, और मसाले हमारे हैं खड़े मसाले ही डाल रहे हैं। प्याज भी हमने मिक्सी में चॉप नहीं किए, मोटे मोटे ही काटा है उनको, और मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। ये हमारा मसाला है, प्याज हमने डाल दिए हैं, लहसुन भी हमारा देखो सारा मिक्स हो चुका है, और अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे अपना। धीमी आंच पे हम इसको पका रहे हैं, लगभग आधा हमारा मसाला तैयार हो चुका है। मसाले को अच्छी तरह तैयार करके फिर इसमें चिकन डालेंगे। ये देखें हमारा मसाला तैयार होते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से। हाँ जी, हम अपना 2 चम्मच मैदा नमक डाल रहे हैं, और देखें साथ में 2 ही चम्मच हम हल्दी का डालेंगे, ये भी हमारी अपनी ऑर्गेनिक हल्दी है, और 2 चम्मच देगी कश्मीरी मिर्च की डाल रहे हैं, और साथ में 2 चम्मच जीरा पाउडर डाल रहे हैं, और साथ में अब बढ़िया टेस्ट आ गए तो 2 चम्मच कसूरी मेथी भी हमने डाल ली है, और अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अपना देखें, मिक्स करके हम अपने मसाले को इसके बीच में डाल लेंगे। हमने मसाले अपने अच्छी तरह घोल लिए हैं, और यह मसाले अपने डाल रहे हैं।
जी दोस्तों, पहले हम अपने खेतों में बनाते थे और वही सीढ़ी हमें यहीं आ रही है अपने गार्डन में, अपने खेतों वाली। बहुत ही बढ़िया देसी स्टाइल में बनते हुए चिकन मसाला हमारा तैयार लगभग हो चुका है। ये देखें मसाला, दिखाओ इधर आ गए। लगभग मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। 5 मिनट के लिए इसको और अपना रझाएंगे। बहुत ही हमारा मसाला बढ़िया बनते हुए, बहुत ही बढ़िया मसाला तैयार हुआ है। इसका टेस्ट सारा मसाले पर ही है। मसाला हमारा पक रहा है, देखें बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही लाजवाब। और हम इसको धीमी आंच पे ही पका रहे हैं, खुला इसको बना रहे हैं अपने चिकन को। खुला चिकन बहुत ही टेस्टी बनता है, कुकर वगैरह में तो इतना टेस्ट नहीं आता, वो जल्दबाजी का काम है। इसमें टाइम तो ज़रूर लगता है पर टेस्ट 5 स्टार होटल जैसा रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा बढ़कर। अपने हाथ से बना हुआ चिकन का टेस्ट ही बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार। हम इसको साथ में चलाते भी रहेंगे। हमारा मसाला देखें बहुत ही बढ़िया, क्या रंग आया है। मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं, देखें बहुत ही बढ़िया कलर। साथ में हम इसको चलाते रहेंगे। दोस्तों बहुत दिनों से डिमांड थी कि आप सब्जी वगैरह तो बनाई जाते हैं, साथ में चिकन की रेसिपी भी बनाकर दिखाएं। आज हम चिकन की रेसिपी आपके लिए बना रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, आप भी देसी स्टाइल से बनाएं। इसमें सारे मसाले हमारे अपने ही हैं घर के, बाहर से इसमें कुछ नहीं, बस एक नमक ही है बाहर का, बाकी तो मिर्च वगैरह भी अपने घर से ही हमने तैयार की हुई हैं। ये देखें अब हमारा घी पर आने लग चुका है, लगभग मसाला हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही बढ़िया मसाला तैयार हुआ है, बनकर तैयार हो चुका है। देखें बहुत ही बढ़िया मसाला हमारा तैयार हुआ है, देखें बहुत ही बढ़िया। और हम इसमें अब डालने जा रहे हैं अदरक। अदरक हमने पहले नहीं डाला था, अब डालेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आए। और हमने इसको लंबा काट लिया है, ये देखें अदरक हम डाल रहे हैं, कुछ अभी डाल लेंगे और कुछ बाद में बढ़ने के बाद फिर डालेंगे। अदरक हमने डाल लिया है और साथ ही हम अपना चिकन डालने जा रहे हैं, जो लगभग 2.5 किलो के करीब है। हम चिकन हम इसमें डाल रहे हैं, आधा चिकन हमने इसमें डाल दिया है और हम अब इसको मिक्स कर लेंगे। देखें हमने इसको मिक्स कर लिया है, अब जो हमारा बचा हुआ चिकन है वो भी हम डाल रहे हैं। देखें बहुत ही बढ़िया लेग पीस, बहुत ही शानदार। वही पुराने अपने बुजुर्गों वाले बर्तन यूज करते हुए चिकन हमने डाल दिया है और अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, चिकन को ऐसे ही पकाएंगे, चिकन अपना खुद का ही पानी छोड़ देगा
और बाद में लास्ट में देखेंगे भी पानी डालें या ना डालें। चिकन हमारा मिक्स हो चुका है, देखें बहुत ही बढ़िया लेग पीस। और रात का टाइम था, हमने अपने जगह चेंज कर ली है, उधर गार्डन में अंधेरा हो चुका था और हम दूसरी साइड आ चुके हैं और यहाँ बना रहे हैं। देखें बहुत ही बढ़िया चिकन, साथ ही थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको चलाते रहेंगे। जैसे हमारा चिकन नीचे भी ना लगे और हम इसमें लक्कड़ डाल देते हैं अपने चूल्हे में। और इसको हम अपना धीमी आंच पर ही पका रहे हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तेज आंच में तो जल्दी बन तो जाएगा पर वो टेस्ट नहीं आएगा। और कहां गया ये पड़ा है। हमारा चिकन भिजना स्टार्ट हो चुका है, देखें पानी चिकन ने छोड़ दिया है। लगभग इसको आधा घंटा और लगेगा, आधे घंटे में हमारा चिकन बनकर तैयार हो जाएगा। बस मसाले में ही थोड़ा टाइम लगता है। अब थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही पकने देंगे। बहुत ही बढ़िया हमारा चिकन। धीमी आंच पे चिकन बनता हुआ देसी स्टाइल में। हाँ जी, चिकन हमारा रिझना स्टार्ट हो चुका है और हमारे चूल्हे में गिट्टी में थोड़ा लक्कड़ डाली है, धुआं हो रहा है। देखें बहुत ही बढ़िया कलर आया है चिकन का, बहुत ही बढ़िया कलर चिकन हमारा बनते हुए। लगभग इसमें अभी 20-25 मिनट और लगेंगे, धीमी आंच पे पकता हुआ चिकन। अपने चूल्हे के परंगेठे के ऊपर धुआं हो रहा है, हमने लक्कड़ डाली है इसमें। साथ में हम बीच बीच में इसको चला रहे हैं, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। चिकन हमारा बन रहा है, रिझ रहा है, देखें बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरह पकते हुए देसी चिकन। आप ग्रेवी कितनी बढ़िया बनी है देखें, बहुत ही बढ़िया कलर आया है। और हमने लक्कड़ डाल लिया तो हमारी आग तेज हो चुकी है और चिकन बनता हुआ, लगभग आधा चिकन हमारा बन चुका है। कम से कम 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं। और इसमें हमने पानी भी बिल्कुल नहीं डाला, चिकन ने खुद का ही पानी छोड़ दिया है।
और जरूरत पड़ी थोड़ा बहुत डालेंगे एक आधी कौली, वरना नहीं डालेंगे। बहुत ही अच्छा चिकन बनते हुए, बहुत ही बढ़िया खुशबू, बहुत ही लाजवाब टेस्ट। और उधर हरा धनिया पड़ा है, हरा धनिया भी हम इसके बीच में डालेंगे। चिकन हमारा बहुत बढ़िया तरीके से पकता हुआ बनता हुआ, बहुत ही शानदार। हाँ जी, हमारा चिकन बन रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार चिकन बना है दोस्तों। हाँ जी, हमारा चिकन बनकर तैयार हो चुका है और ये हम चिकन अपना डाल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट चिकन बना है, ये देखें। और ये हम डाल रहे हैं अपना। अब हम डाल रहे हैं हरा धनिया जो अपने गार्डन का था, देखें बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। हमारा चिकन बनकर तैयार, आज का हमारा ये ब्लॉग था। हमारा ब्लॉग अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।